हेलो, वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो चलिए गाइस, दो तीन दिनों बाद हमारा ये लेक्चर अपलोड हुआ है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई टाइप ऑफ क्रिस्टल फील्ड क्या होता है। देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं और सातवें लेक्चर के दरमियान मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन मैंने कहा था आप लोग सर्च करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट करना। बाकी कई बच्चों ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया है, हाँ सर हमको पता है, मतलब कई बच्चों ने सीखा है भाई क्रिस्टल फील्ड क्या होता है, अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो मेरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। देखो, आपका जो भी तरीका रहा होगा समझाने का वो सही रहा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ से सब कुछ समझोगे। तो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो CFT में जो क्रिस्टल फील्ड होता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बात ही नहीं होती। अपन ने CFT ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए, अब तो हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। CFT को कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों को यही नहीं पता चला अभी तक कि सर क्रिस्टल फील्ड होता क्या, एक्चुअल में क्या कहानी होती है क्रिस्टल फील्ड की, वो आज इस लेक्चर से हम लोग डील करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा भाई, मेरी छोटी सी एक कहानी है, वो कहानी मैं सुनाऊंगा और उस कहानी को इस कॉन्सेप्ट से हम जोड़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट से जोड़ते ही आपको बड़ा मजा आएगा भाई। अगर वो कहानी भी आप लोग समझ लिए तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट को सीखने में आगे कि किस तरीके से स्प्लिटिंग अपने को करवानी है। तो गाइस, सब लोग डाल दीजिए हेडिंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड। क्या डालोगे हेडिंग? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड, टाइप्स ऑफ, मार्कर लाने पड़ेंगे भाई, खत्म हो गया सारा, भूल जाता है भाई, दिमाग से रहता ही नहीं है, दिमाग में इतनी सारी बातें याद होती नहीं है भाई। कोई ना भाई, लेकर आएंगे लेकर आएंगे, आप याद दिला दिया करो। सर मार्कर खत्म हो चुका है, नए मार्कर खरीदो। बाकी भाई कुछ दिन पहले, चलो खैर वो बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे उसके लिए। हाँ देखो बेटा जी, मैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड की बात करता हूं तो क्रिस्टल फील्ड, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हो, क्या बोलते हो? क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हो। तो CFT में क्रिस्टल क्षेत्र क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, तो आपने वहां पर सीखा क्या था, आपने ये सीखा था कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में मेटल को हम सेंटर पे मानते हैं और सेंटर पे कहां पे, बॉडी के सेंटर पर मानते हैं, क्यूब के सेंटर पर मानते हैं, और जो लिगेंड होते हैं 6 लिगेंड इसको फेस के सेंटर से अप्रोच करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं। तो मान लीजिए आपका ये कोई मेटल है भाई, इसको ध्यान से समझिएगा भाई, बड़े ध्यान से 15-20 मिनट हम इसको समझेंगे, 5-10 मिनट जो भी है, और उसके बाद में हम बाकी सारी बातें आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, लेट सपोज मैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड की बात कर रहा हूं, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड की बात कर रहा हूं, तो होता क्या है, मान लीजिए ये आपका कोई मेटल है, लेट सपोज ये आपका कोई मेटल है, यहां पर ये मैंने यहां पर मेटल बना दिया, समझने की कोशिश करना क्या बना दिया भाई, यहां पर मेटल बना दिया। मेटल पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, यस और नॉट समझने की कोशिश करना। और यहां पर मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी, यहां पर मैंने क्या ड्रॉ कर दी, एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, और ये कौन सी एक्सिस है भाई आपकी, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है आपकी, वाई एक्सिस है। समझने की आप लोग पूरी पूरी कोशिश करना मेरे भाई। चलो भाई, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दी, एक्सिस को ड्रॉ कर दिया भाई, क्या ड्रॉ कर दिया, एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड को मैं नहीं बना रहा हूं, अब मैं दोस्तों बात कर रहा हूं ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों को दो प्रकार के ऑर्बिटल्स बनाना सिखाया था, एक्सियल ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से थे, dx²-y² एंड dz²। नॉन एक्सियल कौन कौन से थे, dxy, dyz एंड dx। तो सबसे पहले जो ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रहा हूं वो एक्सियल ऑर्बिटल में बना रहा हूं। देखो समझने की कोशिश करना, ये मैंने क्या बना दिया, एक्सियल ऑर्बिटल बना दिया भाई, क्या बना दिए, एक्सियल ऑर्बिटल बना दिए। देखो धीरे धीरे आप लोग समझना भाई, सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। ये मैंने क्या बना दिए, एक्सियल ऑर्बिटल बना दिए। देखो सही तरीके से बनाना आप, एकदम हमारी पेंटिंग ठीक नहीं है, लड़कियों की पेंटिंग काफी अच्छी होती है, लड़कों की भी काफी अच्छी होती है, नो डाउट। चलो देखो, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया एक्सियल ऑर्बिटल। देखो समझने की कोशिश करना, क्रिस्टल फील्ड क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, क्रिस्टल फील्ड क्या होता है
उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ये मैंने क्या बना दिए, एक्सियल ऑर्बिटल बना दिए, और मैंने यहां पर बना दिए नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बना दिए बेटा जी, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बना दिए। क्या बना दिए, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। देखो भाई समझने की कोशिश करना आप लोग, देखो बेटा जी ये मैंने क्या बना दिए, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बना दिए। देखो भाई सब समझ में आएगा भाई, लास्ट तक बने रहे, और फिर बाद में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें कि हाँ सर कुछ दिक्कत आ रही है, फिर से आप एक्सप्लेन करें, डाउट हमारे दूर करें, लेट सपोज। ठीक है, तो ये मैंने कौन से ऑर्बिटल बनाए, ये मैंने बनाए एक्सियल ऑर्बिटल, और ये मैंने कौन से ऑर्बिटल बनाए, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और मैंने आपको कहा था जब लास्ट लेक्चर मैंने आपको डील करवाया था कि जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सिस के अलोंग बनते हैं, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं। देख लो भाई, चेक कर लो ना भाई, ये एक्सिस के बिटवीन बन रहे हैं। तो अब भाई मैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा था, तो एक बात बताओ, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो छह लिगेंड होते हैं, क्या वो छह लिगेंड आपके फेस सेंटर से मेटल को अप्रोच करते हैं? तो आप लोग बोलोगे यस। देखो एक लिगेंड यहां पर रखा हुआ है, लेट सपोज एक लिगेंड यहां पर रखा हुआ है, एक लिगेंड यहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी मानता हूं इसको भाई, बहुत दूर रखा हुआ है, एक लिगेंड यहां रखा हुआ है। देखो बेटा जी एक लिगेंड यहां रखा हुआ है और एक लिगेंड यहां पे रखा हुआ है, कितने लिगेंड हो गए बेटा, चार, 1, 2, 3 and 4। और एक लिगेंड इसको यहां से अप्रोच करेगा और एक लिगेंड इसको पीछे से अप्रोच करेगा। तो ये दो तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, बट चार लिगेंड मैं आपको दिखा सकता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों होता क्या है, ये लिगेंड इंफिनिटी से, ये चारों लिगेंड, वैसे चार मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑक्टाहाइड्रल में छह लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं फेस के सेंटर से। ये चारों लिगेंड, चार तो ये और एक इधर वाला और एक पीछे वाला, ये फेस सेंटर से मेटल को अप्रोच करते हैं। तो बेटा जी ये एक फेस का सेंटर ये रहा, तो ये मेटल को अप्रोच करते हैं कुछ इस तरीके से यहां पे, ये कुछ इस तरीके से यहां पर अप्रोच करेंगे। हां ना बोलो बेटा जी, ये इधर अप्रोच कर रहे हैं और इधर से ये यहां अप्रोच कर रहा है और इधर से ये यहां अप्रोच कर रहा है। देखो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो लिगेंड आते हैं इंफिनिटी से, वो फेस के सेंटर से मेटल को अप्रोच करते हैं। और इत्तेफाक क्या होता है कि जहां से ये अप्रोच करते हैं उस अप्रोच करने वाले डायरेक्शन के अंदर एक्सिस निकली होती है। तो क्या कहते हैं आप लोग, जो लिगेंड होते हैं वो मेटल को एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है, वो तो इत्तेफाक से वहां पर एक्सिस आ गई। अप्रोच कहां से करते हैं, मेटल को अप्रोच करते हैं फेस के सेंटर से। चार मैंने आपको दिखा दिए हैं और एक इधर और एक पीछे की तरफ से। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं देख लेता हूं आपको कितना नजर आ रहा है, बिल्कुल एकदम साफ नजर आ रहा है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात ये बताना चाहता हूं, जो लिगेंड मैंने बनाए हैं, चार होते कितने हैं बेटा, छह लिगेंड होते, देखो चार नहीं होते छह होते। लेकिन एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको एक लिगेंड यहां दिखा सकता हूं क्या, आप खुद ही सोचो। आपका बोर्ड टू डायरेक्शन में होता है और ये थ्री डी होता है, इस तरीके से एक इधर से अप्रोच कर रहा है और एक इसको पीछे से अप्रोच कर रहा है। तो वो आप लोग समझना, इमेजिन करना, एक यहां पर है और एक उसके पीछे है। तो प्यारे विद्यार्थियों होता क्या है, जो लिगेंड होती है, लिगेंड एक चार्ज स्पीसीज होती है, लिगेंड एक चार्ज स्पीसीज होती है, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। और बेसिकली इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, समझने की आप लोग कोशिश करना। और हर चार्ज स्पीसीज का, हर प्रत्येक चार्ज स्पीसीज का एक ऐसा एरिया होता है जिसमें अगर कोई दूसरी चार्ज स्पीसीज आती है वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, फोर्स महसूस करती है। तो ये चार्ज स्पीसीज, देखो बेटा जी ये सारी क्या है, चार्ज स्पीसीज है। तो ये इसका एरिया होता है, एक फील्ड होता है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। और इस फील्ड में अगर कोई दूसरी चार्ज स्पीसीज आएगी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्या करेगी बेटा जी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। समझने की कोशिश करना बेटा जी, समझने की कोशिश करना। अब देखो बेटा जी मैंने क्या कहा, जो आपका ये लिगेंड होता है, ये लिगेंड एक चार्ज स्पीसीज होती है। चार्ज स्पीसीज का मतलब वो होता है कि इस चार्ज स्पीसीज की दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज हो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। क्या कहते हो, क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। ये कौन सा फील्ड जनरेट हो गया, क्रिस्टल फील्ड जनरेट हो गया। अब मेरे को एक बात बताना, समझने की कोशिश करना भाई, लिगेंड के द्वारा फील्ड जनरेट हो रहा है। लिगेंड नेगेटिव स्पीसीज होती है तो फील्ड भी कैसी साइन रखेगी, नेगेटिव साइन रखेगा। अरे भाई ये जो फील्ड बना है ये कौन सा साइन रखेगा, नेगेटिव साइन रखेगा। समझने की कोशिश करना,
क्या रखेगा, नेगेटिव साइन रखेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के द्वारा ये फील्ड जनरेट हो रही है, यस और नॉट। इसी तरीके से सेम कहानी इधर हो जाएगी, सेम कहानी इधर हो जाएगी, सेम कहानी इधर, सेम कहानी इधर इस वाले लिगेंड से और सेम कहानी पीछे वाले लिगेंड से। तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक दुनिया की कोई भी चार्ज स्पीसीज क्या करती है, एक अपना क्रिस्टल फील्ड बनाती है। क्या बनाती है? एक अपना एरिया बनाती है जिसमें अगर कोई दूसरी चार्ज स्पीसीज आती है, जैसे नेगेटिव है, लेट सपोज नेगेटिव है, और इस नेगेटिव के फील्ड में कोई नेगेटिव स्पीसीज आती है, तो वो एक दूसरे को रिपल्शन करेगी। क्या करेगी भाई? रिपल्शन होगा, दूर जाने की कोशिश करेगी। तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे कौन मौजूद है? ऑर्बिटल्स मौजूद है, कक्षक मौजूद है। तो ऑर्बिटल हम किसे कहते हैं? ऑर्बिटल वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन वहां पाए जाते हैं जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए ये भी कैसी स्पीशीज रहेगी? ये भी एक प्रकार की नेगेटिव स्पीशीज रहती है। कैसी स्पीशीज रहती है? नेगेटिव साइन रखता है। हां ना बोलो बेटा जी, नेगेटिव साइन रखता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑर्बिटल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, समझने की कोशिश करना। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई कैसा साइन रखेगा? नेगेटिव। ओहो हो, बड़े कमाल की कातिल बात हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो वेरी गुड, अब मेरी बात सुनो। अब आप लोग एक मेरी बात सुनना, देखना भाई क्रिस्टल फील्ड क्या होता है। ये आप लोगों ने क्या बना दिया? ये आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड बना दिया। देखो इसको ग्रीन मार्कर से लिखता हूं, क्रिस्टल फील्ड। मार्कर भी खत्म हो चुका है फिर भी काम चल जाएगा। क्या बना दिया? ये आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड जनरेट कर दिया। और क्रिस्टल फील्ड होता क्या है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं भाई। किसी चार्ज पार्टिकल का वह एरिया, किसी चार्ज पार्टिकल का वह एरिया जिसमें कोई अन्य चार्ज पार्टिकल आ जाए तो वो फोर्स महसूस करता है। हाय फील करता है। क्या करता है? फील करता है, फोर्स महसूस करता है। यस और नॉट? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को यह बात बताने की कोशिश करता हूं, और ये लिगेंड की जो फील्ड जनरेट हुई है ये नेगेटिव साइन रखती है। मैंने क्या बोला? नेगेटिव साइन रखती है। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये भी नेगेटिव साइन रखते हैं। ये फील्ड और इनके मध्य क्या पाया जाता है? रिपल्शन पाया जाता है। इनके मध्य क्या पाया जाता है बेटा जी? रिपल्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिपल्शन पाया जाता है। अब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है। रिपल्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ये इसके नजदीक आएगा कि इसको दूर धकेल देगा। कॉम्प्लेक्स कब बनता है? कॉम्प्लेक्स तब तक नहीं बनेगा जब तक ये लिगेंड इस मेटल को अप्रोच ना कर ले। तो रिपल्शन होगा तो अप्रोच कर ही नहीं सकता, इसको दूर धकेलेगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मेटल का कटायन है, जो मेटल का पॉजिटिव सेंटर है, और लिगेंड का जो नेगेटिव साइन है, लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज है, इनके मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। इनके मध्य क्या पाया जाता है बेटा जी? आकर्षण पाया जाता है। हाय 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 हाय, ये क्या पाया जाता है बेटा जी? आकर्षण पाया जाता है। इनके मध्य क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन पाया जाता है। अब ये अट्रैक्शन, एक बात बताओ, मेजर होगा? अरे अट्रैक्शन रिपल्शन से मेजर होगा तभी तो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। अगर रिपल्शन मेजर हो जाएगा तो लिगेंड मेटल को अप्रोच कर ही नहीं सकते, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। तो कॉम्प्लेक्स बनने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो लिगेंड के नेगेटिव स्पीसीज और ये मेटल के पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये मेजर होने के कारण कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। आप लोग समझने की पूरी कोशिश करना। अब देखो बेटा जी होता क्या है, अब मैं आपको और बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में सहायता करता है। इसी से तो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी? प्राइमरी इंटरेक्शन
प्राइमरी इंटरेक्शन बोलते हैं, और ये प्राइमरी इंटरेक्शन होता है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में सहायता करता है। अगर ये इंटरेक्शन मेजर नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, यस और नॉट? ठीक है, ये प्राइमरी इंटरेक्शन हो गया। और जो लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड और ऑर्बिटल के मध्य जो रिपल्शन लगता है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या बोल सकते हैं आप लोग? सेकेंडरी इंटरेक्शन बोल सकते हो। यहां पे रिपल्शन फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, इस ऑर्बिटल और इनके। देखो सभी ऑर्बिटल में रिपल्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंटरेक्शन बोलते हैं। समझने की कोशिश करना। तो दो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जब होती है तो दो प्रकार के इंटरेक्शन पाए जाते हैं, प्राइमरी इंटरेक्शन जो कि मेटल और लिगेंड के बीच में पाया जाता है, और जो सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है वो लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड और ऑर्बिटल के मध्य पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तब होता है जब प्राइमरी इंटरेक्शन जो होता है इज ग्रेटर ग्रेटर देन सेकेंडरी इंटरेक्शन, यस और नॉट? समझने की आप लोग कोशिश करना है। क्या ये आपको छल चित्र समझ में आया? क्या जल्दी बोलो बेटा जी, अजी जल्दी बोलो बेटा जी, समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। तो यहां पे देखो जो ऑर्बिटल्स मैंने बनाई है, ये कौन सी ऑर्बिटल है भाई? एक्सियल ऑर्बिटल्स है। कौन सी है? एक्सियल ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सी ऑर्बिटल है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होती है, जो कि इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होती है। समझने की कोशिश करना। तो आप लोग क्या कह सकते हो? आप लोग इतनी बात बता सकते हो ना, एक कॉम्प्लेक्स तब तक नहीं बनेगा जब तक कि प्राइमरी इंटरेक्शन का मान सेकेंडरी इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। तो इस तरीके का जो ये फील्ड जनरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। अब ये ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बन रही है, अरे जो सिमेट्री बन, ज्योमेट्री नहीं सिमेट्री, जो सिमेट्री बन रही है, ऑक्टाहाइड्रल बन रही है, ऑक्टाहाइड्रल के द्वारा इस फील्ड का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा जी? ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड के नाम से जानते हैं। ये बड़ी कातिल बात है भाई, कयामत वाली बात आपको समझ में आई क्या भाई? कितना प्यारा डायग्राम मैंने आपको समझाने की, आपको ना तो किसी नोटबुक के अंदर मिलेगा, ना किसी नोट्स के अंदर मिलेगा, और ना ही आप बुक देख लेना भाई, कोई सी भी बुक आपको दिख जाए कहीं से भी। चैलेंज देता हूं मैं आप लोगों को, आपकी बीएससी की जो भी बुक आपको दिखे, अगर ऐसा ऐसा डायग्राम आपको दिखता है तो मेरे को जरूर सेंड करना भाई। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं ना भाई। देखना भाई, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्रिस्टल फील्ड क्या होता है। बेटा क्रिस्टल फील्ड से मतलब क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो क्रिस्टल फील्ड से मतलब क्या होता है, अगर आपका देखो ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहा हूं, ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड की बात करता हूं, तो आपका मेटल होता है और इस मेटल को छह लिगेंड फेस सेंटर से अप्रोच करता है। यहां पे बनाता हूं, देखो इधर देखो, इधर इधर देखो भाई, जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था ना, इधर देखो, देखो बेटा जी देखो, फटाफट देख लो, छोटा सा मैं डायग्राम यहां बना देता हूं, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था। मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में? इधर देखो, मैंने ये कहा था कि अगर मैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूं तो यहां पे आप लोग क्या रखोगे? मेटल रखोगे। क्या रखोगे? मेटल। और इस मेटल को छह लिगेंड अप्रोच करते फेस सेंटर से, एक यहां से करेगा, एक यहां से करेगा, एक यहां से करेगा, एक यहां से, चार तो मैंने आपको दिखा दिए, चार तो मैंने आपको दिखा दिए। देखो अब देखो दो कैसे दिखाऊं, दो एक यहां से करेगा और एक पीछे की तरफ से करेगा, लेकिन उसको भी मैं दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। ये जो लिगेंड आते हैं, जो लिगेंड आते हैं सारे फेस के सेंटर से आते हैं, तो ये सारे जो लिगेंड आ रहे हैं, 1 2 3 4, एक इधर से पांचवा, एक पीछे से छठा, ये फेस के सेंटर से आते हैं। तो फेस के सेंटर से लिगेंड अप्रोच करते इत्तेफाक से वहां पर एक्सिस पाई जाती है, तो लिगेंड कहां से अप्रोच करते? एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते। दो प्रकार के ऑर्बिटल मैंने बनाए हैं, एक तो एक्सियल ऑर्बिटल जो कि इनकी लोब एक्सिस के अलोंग होती है, एक बनाए हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो कि इनकी लोब कहां होती है? इन बिटवीन द एक्सिस पाई जाती है। जब जब लिगेंड लिगेंड एक चार्ज पार्टिकल होती है, और दुनिया की हर चार्ज पार्टिकल का कोई ना कोई ऐसा फील्ड होता है, कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कोई अन्य चार्ज पार्टिकल आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यस और नॉट? ठीक है, अब मेरी बात सुनना आप सब लोग। जो आपका लिगेंड इसके नजदीक आता है तो यहां पर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स नेगेटिव साइन होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऑर्बिटल में कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब इनके मध्य जो लिगेंड का क्रिस्टल फील्ड होता है और ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके मध्य क्या पाया जाता है? इनके
मध्य पाया जाता है, रिपल्शन पाया जाता है, यस और नॉट, मतलब ये जब इसके नजदीक आएगा तो इसको ये दूर धकेलेगा, समझने की कोशिश करना। तो फिर जब दूर धकेल देगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो एक यहां पर एक और एक इंटरेक्शन पाया जाता है जो मेटल का पॉजिटिव है और लिगेंड के नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंटरेक्शन बोलते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो आपको पता क्या चला, आपको यह पता चला कि किसी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जब होती है तो दो प्रकार के इंटरेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला इंटरेक्शन होता है रिपल्शन और दूसरा होता है अट्रैक्शन। होता है क्या होता है बेटा जी, अट्रैक्शन होता है। अगर रिपल्शन का मान ज्यादा हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं प्राइमरी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन, प्राइमरी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इंटरेक्शन, इट मींस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा जी, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। समझने की कोशिश करना, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, चलो वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, समझने की कोशिश करना। तो ये क्या बन गया भाई, ये आपका क्रिस्टल फील्ड बन गया। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, क्रिस्टल फील्ड बोलते हो। देखो समझने की कोशिश करना, तो ये आप लोगों ने क्या बना दिया, क्रिस्टल फील्ड बना दिया। ऑक्टाहाइड्रल से बना है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल फील्ड के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद में फिर आता है कि डी ऑर्बिटल में किस तरीके से प्राइमरी इंटरेक्शन होता है, सेकेंडरी इंटरेक्शन पर किस तरीके से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, और एक कहानी से हम लोग इसको समझेंगे। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई क्या भाई, भाई ये क्या कातिल बात आप लोगों को समझ में आई क्या, फटाफट कमेंट करें भाई, कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करो भाई, इतना शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हूं भाई, कमेंट करो भाई, आपके कमेंटों की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई मेरे को। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो, ये कमाल की कातिल बात आपको समझ में आई क्या जी, आ गई। चलो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, लेक्चर को रिमाइंड करके पीछे बैकवर्ड जाके पीछे जाके फिर से देखो, नहीं समझ में आता है अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से जरूर पूछेगा। अब मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं, जिसका नाम होता है कि डी ऑर्बिटल में किस तरीके से विपाटन होता है। ओके चलो, टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक कमाल की कातिल बात और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम थोड़ी देर में स्प्लिटिंग करने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात ये बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग जानते हो कि ये लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है इधर से, यहां ऐसा अपीयर होता है लिगेंड यहां से इसको अप्रोच कर रहा है। आप लोग ये जानते हो जो ऑर्बिटल्स होती है नेगेटिव साइन रखती है, कैसी साइन रखती है बेटा जी, नेगेटिव साइन रखती है, यस और नॉट, ये भी नेगेटिव साइन रखेगी तो ये भी नेगेटिव साइन रखेगी। सारी ऑर्बिटल कैसी साइन रखती है, नेगेटिव साइन रखती है। मेरा आप लोगों से ये सवाल है, माना ये कोई लिगेंड है और इस लिगेंड को ये यहां से ये वाला ऑर्बिटल से यहां पे एक्स एक्स फील्ड एक्सपीरियंस होता है और इस वाले ऑर्बिटल पे इसको वाई फील्ड एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा सवाल बच्चा आप लोगों से यह है कि ज्यादा रिपल्शन किसको लगेगा, इस एक्स वाली ऑर्बिटल को लगेगा या फिर वाई वाली ऑर्बिटल को लगेगा। बड़ी कमाल की कयामत बात है भाई ये, बताओ सोचो बेटा सोचो, मैं क्या कह रहा हूं, लिगेंड की जो फील्ड आ रही है इस वाले ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगी या इस वाले ऑर्बिटल को ज्यादा रिपेल करेगी, जरा सोच के बताओ भाई, जल्दी सोच के बताना भाई, जल्दी सोच के बताओ, पानी पी लेता हूं फटाफट, आप सोच के बताओ कि एक्स को ज्यादा रिपेल करेगा कि वाई को ज्यादा रिपेल करेगा ये क्रिस्टल फील्ड, सोचो भाई सोचो। तो चलो बताता हूं मैं आप लोगों को ऐसा अपीयर होता है कि ये लिगेंड यहां से अप्रोच करते हैं, तो इस वाले ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन महसूस होगा, इस वाले ऑर्बिटल को कम रिपल्शन महसूस होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा हम सोचते हैं। देखो होता क्या है, कोई चीज माना ये लिगेंड बहुत ज्यादा दूर मौजूद है, जब लिगेंड की डिस्टेंस मेटल से बहुत ज्यादा दूर होती है तो चाहे ये वाला ऑर्बिटल हो और चाहे तो ये वाला ऑर्बिटल हो, दोनों को समान रिपल्शन महसूस होता है।
जितना रिपल्शन इसको होगा उतना ही रिपल्शन इसको होगा जब लिगेंड बहुत ज्यादा दूर होते हैं, क्योंकि कोई चीज अपने से दूर होती है ना भाई, वो लाइक स्फेरिकल होती है। किस तरीके से होती है? स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। समझने की कोशिश करना, स्फेरिकली सिमेट्री बनाती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। लेट सपोज भाई आपका कोई यार दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होंगे जो चंडीगढ़ में रहते होंगे, दोपहर का टाइम है, आप यहां पर दोपहर में खड़े हो और आपका जो सन है, जो सूर्य है, एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर है, सर के ऊपर है ना। आप चंडीगढ़ फोन लगाते हो अपने दोस्त को और उसको बोलते हो, अरे भाई जरा चेक करके तो बताना कि जो सूर्य है कहां पर मौजूद है। बोलेगा भाई 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 जो हमारा सूर्य है ना वो हमारे सर के ऊपर है। अब वो चेन्नई फोन घुमाएगा, आप चेन्नई का आपका कोई दोस्त हो उसको फोन घुमाओगे तो वो भी क्या बोलेगा कि नहीं भाई एक ही जगह मतलब सर के ऊपर हमारा सूर्य है। अरे तो क्या इतने सारे सूर्य थोड़ी है, चंडीगढ़ के अंदर भी ऊपर दिख रहा है, चेन्नई में भी ऊपर दिख रहा है, राजस्थान में भी ऊपर दिख रहा है, तो इतने सारे सूर्य थोड़ी है। नहीं नहीं बेटा जी, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, जब कोई चीज अपने से बहुत दूर होती है तो स्फेरिकल नजर आती है। अरे आप लोग कभी ट्रेवल किए होंगे, अगर आप लोग बस की आगे वाली सीट पे बैठे होंगे और किसी हाईवे के ऊपर सफर किए होंगे, बस मान लो या फिर कार मान लो, तो आप लोग क्या देखते हो कि बड़ी दूर से कोई व्हीकल आ रहा है, बड़ी दूर से कोई बस आ रही है या कोई कार आ रही है। जब डिस्टेंस एकदम दूर होती है तो ऐसा लगता है एग्जैक्टली वो अपने सामने आ रही है, चाहे तो वो दूसरी लाइन के अंदर ही आ रही हो, क्या लगता है जस्ट वो अपने सामने आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग करीब जाते हैं तो पता चलता है ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं, पास वाली लाइन से आती है। तो मैंने क्या कहा, जब कोई चीज दूर होती है तो स्फेरिकल सिमेट्री बनती है। तो जब ये लिगेंड बहुत दूर होता है तो सारी ऑर्बिटल को समान फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब क्या है, इसको भी रिपल्शन उतना होगा जितना इसको होगा, यस और नॉट। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, ये ऑर्बिटल इधर की ओर नजदीक आते हैं, ये ऑर्बिटल यहां पर आ गए, अरे मेरे को एक बात बता दो भाई, सॉरी ऑर्बिटल लिगेंड कौन आ गए बेटा जी, लिगेंड आ गए, ये लिगेंड यहां पर नजदीक आएंगे तो अब की बार आप लोग क्या बोलोगे भाई कि जो इसको रिपल्शन महसूस होगा, जो इसको रिपल्शन महसूस होगा वो इसके रिपल्शन से तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जस्ट एक्सियल ऑर्बिटल के नजदीक आ रहा है तो इसको रिपल्शन बहुत ज्यादा महसूस होने वाला है, यस और नॉट। और ये जो सी भी कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अकॉर्डिंग ये सिमेट्री बन जाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहे हैं, तो यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो यहां पे बनती है ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री बनती है। कैसी बनती है? ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री बनती है, यस और नॉट। ये ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री जो बनी है इसको हम लोग बोलते हैं नियर फील्ड, जो ये वाला फील्ड जनरेट हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं नियर फील्ड। क्या कहते हो बेटा जी? नियर फील्ड। और ये वाला जो फील्ड जनरेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फार फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा जी? फार फील्ड। तो आप लोग समझने की कोशिश करना, फार फील्ड किसे कहते हैं? जब लिगेंड दूर से अप्रोच करता है। और नियर फील्ड किसे कहते हैं? जब लिगेंड पास से अप्रोच करता है। तो मैं इसको रफ करता हूं फटाफट, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझने वाली बात हम लोग समझते हैं। देखो बेटा जी, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ बातें आपको परेशान करती हैं तो बेझिझक होकर सवाल किया करो भाई। कैसा भी सवाल, कहीं से भी सवाल आपका बन रहा हो, बिल्कुल पूछा करो भाई, क्योंकि तो हम यहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए तो बैठे हैं। चलो देखो बेटा जी, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले हमने आप लोगों को ये बताया है कि जो इंटरेक्शन होता है, जो यहां लिखता हूं भाई, जो इंटरेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, यस और नॉट। जो इंटरेक्शन होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राइमरी इंटरेक्शन, अभी आप लोगों ने देखा, हाय 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 कितने कमाल की कातिल बात है ना भाई। एक होता है सेकेंडरी इंटरेक्शन। भाई इनऑर्गेनिक ठीक पढ़ा लेता हूँ क्या मैं? अरे बोलो बेटा जी, इनऑर्गेनिक ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ क्या? देखना एक दिन आप लोगों के सपोर्ट से अपने इस चैनल से पूरी जो बच्चे, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, वो सब लोग पूरा पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कंप्लीट सिलेबस डालने की, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, 11th क्लास और 12th क्लास, ठीक है? चलो
जो प्राइमरी इंटरेक्शन हो रहा था प्यारे विद्यार्थियों कहां पर हो रहा था, चेक करो पुराने वाले डायग्राम के अंदर, आप लोग देख रहे थे मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल एंड लिगेंड के बीच में हो रहा था, यस और नॉट, इन बिटवीन, इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। और यहाँ पे जो सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्बिटल क्या होती है, ऑर्बिटल रिपल्शन महसूस करती है, ऑर्बिटल रिपल्शन महसूस करती है किसके द्वारा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, महसूस करती है लिगेंड की फील्ड के द्वारा, किसके द्वारा, लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड के द्वारा रिपल्शन महसूस करती है, यस और नोट। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो प्राइमरी इंटरेक्शन पर बनता है, यस और नोट। और जितना ज़्यादा सेकेंडरी इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्राइमरी इंटरेक्शन होता है। चलो अब फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, जल्दी बोलो बेटा जी, जो जो आपका फील्ड होता है, जो आपका क्रिस्टल फील्ड होता है, देखो समझने की कोशिश करना, ऑक्टाहाइड्रल में क्रिस्टल फील्ड होता है ना, ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने दो प्रकार का क्रिस्टल फील्ड देखा, एक तो आपने देखा स्फेरिकल सिमेट्री वाला, एक तो था, दो फील्ड था भाई, एक तो फार फील्ड, सॉरी क्या था, फार फील्ड, अभी आप लोगों ने देखा जब लिगेंड बहुत दूर होता है मेटल से, एक था भाई नियर फील्ड, क्या होता है बेटा जी, नियर फील्ड होता है, जब लिगेंड बहुत दूर होता है तो कैसी सिमेट्री जनरेट होती है, सिमेट्री जनरेट होती है स्फेरिकल, कैसी बेटा जी, स्फेरिकल सिमेट्री जनरेट होती है, और जब लिगेंड बहुत नजदीक आ जाता है तो ऑक्टाहाइड्रल में कैसी सिमेट्री जनरेट होती है बेटा जी, ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री जनरेट होती है, कैसी, ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री जनरेट होती है, और ये ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री जो कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में सहायता करती है, और रिपल सॉरी रेस्पॉन्सिबल, ये निर्भर करती है रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग, जिसका इंतजार था वो अब आने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, हाँ ना बेटा जी, वो टूट जाते हैं बेटा जी, जैसे दो ऑर्बिटल ऊपर चले गए, तीन ऑर्बिटल नीचे आ गए, किस तरीके से दो ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं, किस तरीके से तीन ऑर्बिटल नीचे आते हैं, नीचे बोलते आप लोग नॉन एक्सियल ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, क्या कहानी होती है कुछ देर में आपको समझ में आने वाली है। और जो आपका फार फील्ड होता है वो ओनली एक्साइटेशन कराता है, क्या कराता है बेटा जी, एक्साइटेशन कराता है, मतलब जो आपके डीजनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5 ये क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, किसके द्वारा, फार फील्ड के द्वारा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ओके चलो। फिर होता क्या है, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग पाई जाती है जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जब मेटल के नजदीक लिगेंड आते हैं, जब डी ऑर्बिटल के नजदीक कोई लिगेंड आता है तो डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है मैं आपको बड़े शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या। फिर हम लोग शुरू करते हैं डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग, ओके चलो गाइस देखते भाई डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, सारी बातें मैंने आपको, हाँ तो चलिए गाइस, जिसका मुझे इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी हम लोग ख़त्म करते हैं। देखो क्या इंतज़ार था, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, बड़ी शानदार बात है भाई, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब हम लोग डिस्कस करें विपाटन, स्प्लिटिंग की बात करते हैं, स्प्लिटिंग की बात करते हैं, ओके विपाटन की बात करते हैं, किसमें, डी ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं बेटा जी, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, एग्जाम में ये सवाल पूछता है बेटा जी। देखो बेटा जी होता क्या है, आप लोग जानते हो जब कोई मेटल, जैसे शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में 5d ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम समान होती है, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं, ये होते डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट, डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट, समझने की कोशिश करना भाई आप लोग, डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट स्टार्टिंग में ऐसा होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये आपने जो 5d ऑर्बिटल बनाए हैं, इन 5d ऑर्बिटल में 3d ऑर्बिटल तो एक्सियल होते हैं और
तीन डी ऑर्बिटल तो नॉन एक्सियल होते हैं और दो डी ऑर्बिटल एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल कौन से होते हैं और एक्सियल कौन से होते हैं आप सब लोग जानते हो। तो शुरुआत में क्या होता है, ये आपके डी ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं और ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। जब याद करो डायग्राम, जब आपका मेटल होता है और ये मेटल के मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए, ये मैंने क्या बना दिए ऑर्बिटल्स बना दिए, फटाफट देख लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था, ये मैंने बना दिए एक्सियल ऑर्बिटल खींच दिए और मैंने नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी खींच दिए। तो मैं क्या बोलता हूं, जब लिगेंड इसकी ओर चलता है, अरे लिगेंड इसकी ओर चलेगा, अरे तो शुरू के अंदर तो फार फील्ड रहेगी ना, शुरू में कौन सी फील्ड रहेगी, फार फील्ड रहेगी। और आप लोग जानते हो शुरू में तो फार फील्ड रहती है और फार फील्ड क्या करवाती है, अरे बोल दो, हाय 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 हाय, फार फील्ड करवाती है ओनली एक्साइटेशन, क्या करवाती है ओनली उत्तेजन करवाती है, एक्साइटेशन करवाती है। तो फार फील्ड की प्रेजेंस के अंदर जो आप लोग बोलते हो स्फेरिकल सिमेट्री बनती है, इन डी ऑर्बिटल का एक्साइटेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, ये लो डी ऑर्बिटल का एक्साइटेशन हो गया, हाय 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 हाय, ये आपने क्या करवा दिया, एक्साइटेशन करवा दिया। समझने की कोशिश करना, बैकग्राउंड से कोई म्यूजिक आ रही है तो उसको इग्नोर करना, ये आपने क्या बना दिया, डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट, क्या बना दिया, डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है और इसकी स्प्लिटिंग को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। लेट सपोज एक सुंदर लड़का होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, देखो तारीफ नहीं कर रहा अपनी, बस खाली एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक सुंदर लड़का होता है जैसे कि मैं, और पांच मतलब लड़कियां होती हैं, ठीक है, पांच लड़कियां मौजूद है, ग्रुप है पांच लड़कियों का, वो किसी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीती है, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि वो कहीं पर घूमने के लिए गई हुई है, और वहाँ पे क्या होता है, या ऐसे बोल दो कि कहीं बैठी हुई है, कुछ भी मान लीजिए, पाँच लड़कियों का ग्रुप है और पांचों लड़कियां सुंदर हैं, पांचों लड़कियां भी सुंदर हैं, और लड़का कोई भी, भाई मेरे को मान लो या अब खुद को मान लो, भाई लड़का भी सुंदर है भाई, ठीक है, अरे भाई हाँ मैं नहीं हूँ सुंदर भाई, आई एडमायर नहीं हूँ सुंदर, इंसान शक्ल से सुंदर नहीं होता, कर्मों से सुंदर होता है भाई। तो पांच लड़कियां कॉफ़ी शॉप के बाहर कॉफ़ी पी के निकलती हैं और बस का वेट कर रही है, तो अचानक से मैं बाइक पे आता हूँ और बाइक पे आके दूर से, जैसे लड़कियां मान लीजिए यहाँ पर खड़ी हैं, लेट सपोज लड़कियां यहाँ पर खड़ी हैं, तो डिस्टेंस थोड़ा दूर है, मतलब वो मेरे को देख सकती है और मैं उनको देख सकता हूँ, और मैं दूर से ऐसे बोलता हूँ कि मैं आपको देख लूँगा, मैं क्या बोलता हूँ कि मैं आपको देख लूँगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं दूर था, मैं लेट सपोज यहाँ पे खड़ा हूँ और लड़कियाँ मेरे से काफ़ी दूर हैं, मैंने क्या बोला, मैं आप लोगों को कल देख लूँगा, मैं आप लोगों को कल देख लूँगा, इतना बोल के मैं निकल गया। अब मैं दूर से उनको इशारा किया, तो आप लोग ऐसा बता सकते हो क्या, जैसे पांच लड़कियाँ हैं, सीता बबीता गीता अनीता और सरिता, कुछ भी मान लो भाई, सीता गीता बबीता अनीता सरिता, पाँच लड़कियाँ मौजूद हैं, अब मैंने उनकी तरफ इशारा कर दिया कि मैं आप लोगों को कल देख लूँगा, तो भाई उनके मचे खलबली कि भाई मेरे को बोला है, सीता को बोला है, गीता को बोला है, बबीता को बोला है, अनीता को बोला है, या फिर सरिता को बोला है, ठीक है, अब उनके दिमाग में हो गई खलबली। तो आप लोग मेरे को एक बात इतना बता दीजिए, अब वो क्या करेगी, वो एक्साइटेड हो गई, मानो मैंने उनको मारने की धमकी दे दी, या फिर उनसे मिलने की मैंने कुछ भी मैंने बोल दिया उनको, ठीक है, मारने की धमकी दे दी, तो वो क्या करेगी, घर पे जाएगी, भाई शाम का वक्त है, घर पे जाएगी तो अपने भाई को सारी दास्तान सुनाएगी, भाई ऐसे ऐसे एक लड़का आया और उसने मेरे को ऐसा बोला कि हम लोग खड़े हुए थे, हमको ऐसा बोला कि मैं तुमको कल देख लूंगा, तुमको कल देख लूंगा, वो चाकू वाकू धार वार लगा के तैयार होती है कल दिखाने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, अगले दिन वो उसी कॉफी शॉप के बाहर खड़ी होती है लड़कियां, और वो लड़कियां मतलब सारा तैयार है, मामला पूरा मामला तैयार है, वो कॉफी शॉप के बाहर बैठी हुई, लेट्स सपोज बाहर बैठी हुई है, अब मैं वहां पे आता हूं और मैं गीता और बबीता की तरफ इशारा करता हूँ कि मैं तुमको देख लूंगा, मैं क्या करूँगा कि मैं तुमको देखने की बात कर रहा था, तो पीछे अनीता सरिता और जो भी आपने एक लड़की साथ में ली है वो हो जाएगी खुश, हाँ भाई मैं तो बच गई, हम तो बच गए, हमको तो देखेगा नहीं, तो वो क्या करेगी, जो अपने हथियार थे वो गीता और बबीता को दे देगी, भाई ले तू संभाल, ये अब तेरा मैटर है। तो मेरे को एक बात बताओ, शुरू में तो क्या हो गए, शुरू में तो वो एक्साइटेड हो गए, अरे भाई यहाँ पर मैंने इनको चैलेंज किया, मैंने यहाँ पे इनको चैलेंज किया कि मैं तुम पांचों को देख लूंगा, पांचों को देखते ये हो गए एक्साइटेड कि भाई क्या पता किसको देखेगा, सब तैयारी के साथ में रहे तो, लेकिन जब मैं यहां पर आता हूं, जब मैं यहां पर आता हूं तो फिर क्या होता है, मैं बोलता हूं कि
में गीता और बबीता को देखने की बात कर रहा था तो गीता और बबीता की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो इंतजाम करेगी बचने का, लेकिन जो तीन औरतें अनिता सरिता और जो भी नाम हो पूजा वगैरह, वो क्या होगी, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब वो रिलैक्स हो जाएगी, शांत हो जाएगी, हमें भाई नहीं देखेगा। तो मान लीजिए हुआ क्या बेटा जी, कहां गया मार्कर, ये रहा। तो हुआ क्या, यहां से होता है एक्साइटेशन, क्या होता है बेटा जी, एक्साइटेशन, और क्या होता है कि दो ऑर्बिटल तो ऊपर चले जाते हैं, तीन ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं। समझने की कोशिश करना, गीता बबीता एक्साइटेड हो चुकी, मेरे को देखेगा आज भाई, अनीता सरिता और पूजा कुछ भी नाम हो, ये रिलैक्स होके नीचे आ गई, समझने की कोशिश करना। तो ये डी ऑर्बिटल में क्या हो गया, ये डी ऑर्बिटल में विपाटन हो गया, विभाजन हो गया, समझने की कोशिश करना। एनर्जी क्या हुआ भाई इसकी, भाई एक बात बताओ, ये आपका सेंटर है, इसने एनर्जी को रिलीज किया, अरे भाई रिलैक्स होना मतलब रिलीज होना एनर्जी का, और ये एनर्जी इसने इनको दे दी कि भाई तुम ये हथियार लो और अपनी एनर्जी बढ़ाओ और अपने मामले पे इसको सल्टो, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, तो ये भाई जो नीचे वाले डी ऑर्बिटल हैं ये होते हैं डी एक्स वाई, हाय हाय हाय, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, हो मैं तो इनको देखा नहीं, मैं बस मेरी नज़र इन्हीं के ऊपर है, सीता और बबीता के ऊपर। अब देखो भाई क्या होने वाला है इनके साथ में, देखो जी कुछ गलत नहीं होने वाला है भाई, सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू था समझाने का, ओके। ये दो तरीके से स्प्लिट हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, ये ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टी टू जी ऑर्बिटल, ये ट्रिपली जी डिजनरेट होते हैं और ये डब्ली जी डिजनरेट होते हैं, डब्ली डिजनरेट के लिए ग्रुप थ्योरी में ई लगाते हैं हम लोग और ट्रिपली के लिए टी लगाते हैं, समझने की कोशिश करना। जो आपका ये वाला सेंटर बना है यहाँ से बीच वाला एकदम, इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर, क्या कहते हैं बेटा जी, बेरी सेंटर कहते हैं, समझने की कोशिश करना। ये डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग पड़ रहे हैं, बेरी सेंटर के नाम से जाना जाता है, और जो ये आपकी ये एनर्जी डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेल, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं, डेल, ऑक्टाहेड्रल की है तो डेल ओ कहेंगे, यस और नोट। जितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी यहाँ पर बढ़ी है, यस और नॉट, देखो इसको थोड़ा यहाँ बना देता हूँ समझने के लिए, जितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है उतनी एनर्जी यहाँ पर बढ़ती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात ये बताता हूँ, देखो आपके पास में पांच डी ऑर्बिटल हैं, ओके, तीन तो एक समान है और दो एक समान है, समझने की कोशिश करना, तीन तो एक समान है दो एक समान है, दोनों को बराबर कैसे करें, दोनों को बराबर कैसे करें आप लोग मेरे को बता दीजिए, पांच डी ऑर्बिटल है, हाँ ना बेटा जी, पांच डी ऑर्बिटल है, दोनों को क्रॉस में ले जाओ तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, दो बटे पांच, और यहाँ पे क्या बनेगा, तीन बटे पांच, समझने की कोशिश करना। देखो तो यहां पर कितने ऑर्बिटल्स, यहाँ पे बनेगा टू बाई फाइव, क्या बनेगा, टू बाई फाइव डेल ओ, और यहाँ पे बनेगा 3/5 डेल ओ, जितनी एनर्जी ये अभी मतलब रिलीज होती है उतनी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होती है। और आपको इसको क्या बोल सकते हो, यदि देखो दो में पाँच का आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा 0.4 डेल ओ, और आप इसमें इसका भाग लगाओगे तो 0.6 डेल ओ आप इसको कह सकते हो, क्योंकि आप लोग बुक में यहाँ माइनस का निशान देखते हो, माइनस का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना, क्या होता है बेटा जी, एनर्जी रिलीज होना, समझने की कोशिश करना, ठीक है, वो तो खैर फर्जीवाड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने क्या देखा, डी ऑर्बिटल में पहले क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया, और डी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन होने के बाद में, देखो डी ऑर्बिटल में एक्साइटेशन होने के बाद में तो जो आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल थे वो तो आ गए नीचे, किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल तो आ गए नीचे, और एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो गई, और एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो चलेंगे बेरी सेंटर से ऊपर, कहाँ चलेंगे, बेरी सेंटर से ऊपर, एक्सियल ऑर्बिटल, समझने की कोशिश करना। तो ये इनकी स्प्लिटिंग होती है, इसके बाद में क्या होता है, इनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर, ये होता है भाई स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, गीता बबीता उसको भूल जाना भाई, आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, डी कक्षकों का विपाटन, डी कक्षकों का
विपाटन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में डी कक्षकों का विपाटन। आप लोगों को भाई समझ में आया क्या ये? फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन भरना, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन भरना, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, एक तो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में और एक दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, एक दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में। ठीक है, एक बात बताओ, प्रबल लिगेंड क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है, हाँ ना बोलो बेटा जी, पेयरिंग करवाता है, और दुर्बल लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग नहीं करवाता है। तो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने डी ऑर्बिटल में, 10 इलेक्ट्रॉन एक बार प्रबल लिगेंड की प्रेजेंस में, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, फिर प्रबल होगा तो फिर चौथा भी यहां, पांचवा या छठा या सातवां आठवां नवां एंड दसवां, और दुर्बल की प्रेजेंस में भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, इलेक्ट्रॉन भरना दोनों निकालना आप सब लोग, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को भाई लेक्चर समझ में तो आ गया ना भाई? देखो इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, देखो आप लोग लेक्चर पता नहीं कब देख रहे हो, सुबह देखते हो, दोपहर में देखते हो, रात को देखते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, लेकिन इस वक्त प्रेजेंट टाइम में रात के 10 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। तो आप लोग इतना सा तो कर सकते हो ना कि कुछ वक्त निकाल के इस लेक्चर को देख लें। अगर दोस्तों आप लोग लेक्चर देखोगे तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होने वाला नहीं है आपका। देखो लाइट चली गई, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। एकदम अंधेरा हो गया है, देखो ये प्रॉब्लम्स होती है भाई मेरे साथ, अब अचानक से लाइट चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।